यस गुड मॉर्निंग क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। यदि हम कल्चरल हेरिटेज की बात करें तो जैसा कि हमने सेकंड लेक्चर में भी इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ली थी कि इंडिया जो है वर्ल्ड फेमस कल्चरल हेरिटेज माना जाता है, या इंडिया में जो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है यहाँ का जो कल्चर है वो वर्ल्ड फेमस है। आज की हम यदि कंटेम्प्रेरी इंडिया की बात करें और हम अपनी एंशियंट इंडिया की बात करें तो एंशियंट इंडियन जो कल्चरल हेरिटेज है वो जो है आज के जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हेरिटेज से कई ज़्यादा बेहतर है। ये हमने पिछले लेक्चर में जानने की कोशिश की थी। बट टुडे आई एम टीच अबाउट द स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। आज मैं जो है आपको यहाँ की शिल्प और जो स्थापत्य कला के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। किसके बारे में गाइस? स्कल्पचर बोलते हैं, हाँ स्कल्पचर होता है आपका शिल्प कला और आपका आर्किटेक्चर होता है स्थापत्य कला। थोड़ा हिंदी के ये टफ वर्ड है बट गाइस आपको इसी में समझना पड़ेगा कि स्कल्पचर क्या है और आपका आर्किटेक्चर क्या है इन अंडर द कल्चरल हेरिटेज। हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है उसके अंडर में या उसके अनुसार। तो गाइस आपको द आर्ट ऑफ स्कल्पचर एंड द कल्चरल हेरिटेज ग्राउंड यूनिक आइडेंटिटी इन इंडिया। यदि हम इसकी बात करें तो आज भी जो हमारी इंडिया का जो कल्चर है, हमारी जो ये हेरिटेज है, वो एक बहुत ही यूनिक आइडेंटिटी रखती है। क्या करती है? बहुत ही यूनिक आइडेंटिटी रखती है। ऐसी आपको जो आर्किटेक्चर स्टाइल है, आपको जो स्कल्पचर स्टाइल है, पूरे वर्ल्ड में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। यदि हम टाउन प्लानिंग ऑफ इंडिया कल्चरल हेरिटेज की बात करें, या हम ऐसे भी बात कर सकते हैं टाउन प्लानिंग ऑफ एंशिएंट इंडियन कल्चरल हेरिटेज की बात करें, या फिर टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा मोहनजोदड़ो, इनमें से किसी की बात करें तो वो जो है बहुत ही हम कह सकते हो कि ग्रेटर देन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। वो जो है जो आज का जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है उससे कई ज़्यादा महान है, वो कई ज़्यादा बेहतर है। या हम कह सकते हैं ये जो आज की जो टाउन प्लानिंग है उससे हमारी जो एंशियंट टाउन प्लानिंग थी वो कई ज़्यादा बेहतर है। एंड इट इज़ वेरी रिमार्केबल। यदि हम इसकी बात करें तो कैसी है ये? बहुत ही रिमार्केबल है, वो अमिट है। इससे बेहतर आपको कहीं भी स्कल्पचर और आपका आर्किटेक्चर कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। इनकी जो टाउन प्लानिंग है वो पूरे वर्ल्ड की वर्ल्ड में जो भी टाउन प्लानिंग होती है आज के दौर में या पहले जो रही है इसके आसपास भी नहीं थी। यदि आप आगे इस लेक्चर में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे देखेंगे तो आपको बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगी, ऐसी बहुत सी चीज़ें, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ के स्कल्पचर और यहाँ के आर्किटेक्चर को क्या करते हैं, समथिंग डिफरेंट बनाते हैं, बहुत ही यूनिक बनाते हैं, यूनिक आइडेंटिटी देते हैं और इस यहाँ के कल्चर को बहुत ही रिच नहीं बल्कि रिचेस्ट में से एक बना देते हैं। तो गाइस हम यहाँ देखते हैं कि फिर आ जाता है कि सब फिर इसमें हम थोड़ा सा ऐसे भी जान सकते हैं कि जो आपका कल्चरल हेरिटेज है उससे रिलेटेड हमने आपको एक डेफिनेशन भी दी थी कि भाई कल्चरल हेरिटेज क्या होता है। तो कल्चरल हेरिटेज क्या है? व्हाट एवर मैन ऑब्टेन, क्या करता है? व्हाट एवर मैन ऑब्टेन और क्रिएट्स ए इंटेलेक्ट एंड स्किल इन जनरली कॉल्ड द कल्चरल हेरिटेज। जब इंसान क्या करता है? क्रिएट करता है, क्रिएट करने के साथ साथ ऑब्टेंड करता है, किसके माध्यम से? अपने इंटेलेक्ट के माध्यम, अपने इंटेलेक्ट के माध्यम से। तो वो जो आपकी स्थिति होती है वो क्या कहलाती है? उसको हम कल्चरल हेरिटेज बोलते हैं। फिर से एक बार, इंसान जो प्राप्त करता है, क्रिएट करता है, किससे? अपने जो है इंटेलेक्ट के माध्यम से, अपने दिमाग के माध्यम से, अपने हुनर के माध्यम से, उसको हम क्या कहते हैं? कल्चरल हेरिटेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक बार इंसान क्या करता है? इंसान जो है सबसे मेन चीज ये आ जाती है कि इंसान क्या करता है, इसके माध्यम से ऑब्टेन करता है, क्रिएट करता है, किसके माध्यम से? इंटेलेक्ट। वो आपका क्या कहलाता है? आपका कहलाता है कल्चरल हेरिटेज। क्या कहलाता है आपका? कल्चरल हेरिटेज। तो गाइस ये सबसे मेन चीज आपको समझने की जरूरत है कि कल्चरल हेरिटेज क्या है।
कि वट एवर हम देखते हैं कि जो है मैन ऑब्टेन, इंसान क्या करता है, मैन क्या करता है, ऑब्टेन करता है, प्राप्त करता है या क्रिएट करता है कुछ ऐसी चीजें जो कि किससे जुड़ी हुई होती हैं, आपके इंटेलेक्ट से जुड़ी हुई होती हैं, इंटेलेक्चुअल रूप से जुड़ी होती हैं, या हम कह सकते हो आध्यात्मिक से जुड़ी होती हैं। दूसरा ये भी कह सकते हैं वो हमारे मन और मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं, हमारी स्किल से जुड़ी होती हैं, इससे हमारी स्किल से भी जुड़ी होती हैं। तो ये जो गाइस होता है वो हमारा क्या कहलाता है, कल्चरल हेरिटेज। गाइस अब आगे थोड़ा देख लेते हैं इस कल्चर, स्कल्पचर क्या होता है, शिल्प क्या होता है। तो शिल्प की हम बात करते हैं, द आर्ट ऑफ जो है शेपिंग फिगर, ये आर्ट होती है क्या होती है, एक ऐसी आर्ट होती है जिसमें फिगर को क्या किया जाता है, शेप दिया जाता है और डिजाइन दिया जाता है, क्या किया जाता है, डिजाइन विद द फेशियल एक्सप्रेशन। With the facial expression the art of shaping figure and the design with the facial expression in around or in the relief professions। रिलीफ प्रोफेशन एक ऐसी कला जिसमें क्या करना पड़ता है, आपको शेप देना पड़ता है, एक फिगर देना पड़ता है, डिजाइन करना पड़ता है विद द फेशियल एक्सप्रेशन, जिसके उसके अपने क्या होते हैं, कुछ खास फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं। और ये जो वर्क है अराउंड मतलब आसपास घूमता है, किसके, रिलीफ प्रोफेशन, मतलब आपको इस काम में क्या होता है, एक इंटरेस्ट होता है, जिसके माध्यम से एक प्रोफेशनली आप क्या करते हैं, अपनी कला के माध्यम से, अपनी स्किल के माध्यम से, एक एक जो भी कोई आपका स्टोन है या कुछ भी है उसको आइडेंटिटी देने का कार्य करते हैं, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से उसे आइडेंटिटी देने का कार्य करते हैं, तो वो जो है आपका क्या कहलाता है, स्कल्पचर कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, स्कल्पचर कहलाता है, मीन्स शिल्प कला कहलाती है गाइस। क्या कहलाती है वो आपकी, वह कहलाता है आपका शिल्प कला। अब नेक्स्ट आता है आपका आर्किटेक्चर, क्या होता है आपका नेक्स्ट, आर्किटेक्चर। नेक्स्ट आपका क्या है, ये है आपका आर्किटेक्ट। तो ये सिंपली कह सकते हो, सिंपल मीनिंग ऑफ आर्किटेक्ट्स मैन मींस कह सकते हो आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये क्या होता है आर्किटेक्चर, ये कह सकते हो आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ओनली इसका एक सिंपल सा मीनिंग है, क्या, आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। बहुत ही साधारण वर्ड्स में आप इसे कह सकते हैं कि भाई स्कल्पचर क्या होगा, सुनिए आर्किटेक्चर क्या होता है, तो ये आर्किटेक्चर जो होता है वो क्या है आपका, ये है आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, एक ऐसी कला जिसके माध्यम से निर्माण किया जाता है, क्या किया जाता है, निर्माण करने में जो कला, जो स्किल वर्क करती है उसे हम क्या कहते हैं, आर्किटेक्चर, क्या कहते हैं, आर्किटेक्चर। इसीलिए आर्किटेक्चर जो स्टाइल है आपको कल्चरल हेरिटेज के अंदर इंडिया में तो आपको बहुत अधिक देखने को मिलेगी। तो द वर्ड वास्तु, इसे हम अपने यहाँ कहते हैं वास्तुशास्त्र, एकदम वैदिक कालीन शब्दों की तरफ चले जाए तो एक शब्द आ जाता है वास्तुशास्त्र। तो द वर्ड वास्तु इज यूज फॉर आर्किटेक्चर, देखो ये जो वास्तु शब्द है ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, आर्किटेक्चर। ये जो वर्ड है आपका आर्किटेक्चर, वो एकदम वैदिक कालीन की बात करें, एकदम संस्कृत लैंग्वेज की बात करें तो इसको जो है, किसको, वास्तु को जो है आर्किटेक्चर वर्ड्स के साथ इन्वॉल्व किया जाता है। और ये जो है आज के, ये जो है जो वर्ड है बहुत ही रिन्यूएबल वर्ड है, नया वर्ड है आर्किटेक्चर, बट ओल्डेस्ट वर्ड की बात करें जो क्या है हमारा, ये वास्तु जो है, इसे हम पूरे वर्ड देखें तो वास्तुशास्त्र की संज्ञा दी जाती है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग,
इसमें क्या होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग है, हाउस है, टाउन है, वॉक है, फिर आपका फोर्ट है, मीनार है, ये सब आपका किसके अंदर आ जाता है, वास्तु के अंदर आ जाता है, या हम कह सकते हैं इसको आर्किटेक्चर के अंदर आ जाता है। क्या चीज, कंस्ट्रक्शन ऑफ, क्या चीज, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, है ना, हाउस के साथ साथ फोर्ट, मीनार, है ना, मीनार के साथ साथ रोड, तो गाइस एक्सेट्रा, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इसके अंडर में क्या करती है, आ जाती हैं। जैसे कि टेंपल है, टेंपल के साथ साथ और भी बहुत सी मॉस्क्यू है, टॉम्स है, ये सब आपका किस में आ जाता है, आर्किटेक्चर में आ जाता है, या हम कह सकते हैं इसको क्या है, किस में ऐड कर सकते हैं, इसको हम वास्तु में ऐड कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये जो है स्किल ऑफ आर्किटेक्चर यू हैव सीन इन द एनी एवरीवेयर ऑफ इंडियन कल्चर, ये आप जो है क्या कर सकते हैं, प्रत्येक जगह हार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आप क्या कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं, देख सकते हैं, और इट इज द वेरी यूनिक आइडेंटिटी, यह जो है क्या है, वेरी यूनिक आइडेंटिटी, इसके पास बहुत ही यूनिक आइडेंटिटी है, इससे बेहतर आपको आइडेंटिटी किसी और कंट्री में देखने को नहीं मिलेगी। और जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है उसके अनुसार भी बात करोगे तो एंशिएंट इंडियन जो आपका आर्किटेक्चर या वास्तुशास्त्र है वो उनसे कई ज्यादा बेहतर है। तो गाइस आगे देख लेते हैं, और नेक्स्ट आपका एंशिएंट इंडियन टाउन प्लानिंग, एंशिएंट इंडियन टाउन प्लानिंग की बात करें तो जैसा कि आपको पता ही है कि इंडिया हैज द यूनिक एक्सपर्टाइज, यदि हम इसकी बात करें तो इंडिया हैज द यूनिक एक्सपर्टाइज इन द फील्ड ऑफ बिल्डिंग मटेरियल या टाउन प्लानिंग या कंस्ट्रक्शन या कह सकते हो वास्तु। यदि हम इंडिया की बात करें तो बहुत ही पुराने टाइम से ही इंडिया की जो एक्सपर्टाइज, इंडिया जो बहुत ही एक्सपर्टाइज रहा है, किसमें बहुत ही यूनिक रहा है, किस चीज़ में, फील्ड ऑफ प्लानिंग, किसमें, फील्ड ऑफ टाउन प्लानिंग, फील्ड ऑफ टाउन प्लानिंग। किसमें रहा है, बहुत ही एक्सपर्टाइज रहा है, एक्सपर्टाइज मतलब होता है अलग रहा है, तेज रहा है, कैसा, यूनिक एक्सपर्टाइज। इंडिया की जो आइडेंटिटी है वो कैसी है, बहुत ही यूनिक है, बहुत ही एक्सपर्टाइज वाली आइडेंटिटी है, किस मामले में, द फील्ड ऑफ प्लानिंग, मैनी सच टाउन हैज बीन फाउंड आउट द ड्यूरिंग द एग्जीबिशन, कई आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे आफ्टर द इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि मैनी टाउन हैज बीन द फाउंड आउट द ड्यूरिंग आर्किटेक्चर एग्जीबिशन, किसके समय में, ड्यूरिंग, ऐसे भी कह सकते हैं फाइंड आउट मैनी टाउन ड्यूरिंग द ज्योग्राफिकल एग्जीबिशन भी कह सकते हैं, किसमें, आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन कहने ज्यादा उचित रहेगा। यदि हम इसकी बात करें कि आर्कियोलॉजिकल, यदि हम आर्कियोलॉजिकल की बात करें या एक्सी है देख सकते हैं,
लेकिन आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन की बात करें तो हमें यहाँ देखने को मिलता है कि कई ऐसे टाउन हैं, कई ऐसे शहर हैं जो यहाँ पे फाउंड आउट किए गए हैं। क्या किए गए हैं? फाइंड आउट किए गए हैं। और वो किसमें फाइंड आउट किए गए हैं? आर्कियोलॉजिकल आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन में फाइंड आउट किए हैं। मतलब जो भूगर्भीय जो खुदाई है, मीन्स जो जगह की खुदाई हुई है, जो भूगर्भीय वैज्ञानिकों के द्वारा जो खुदाई की गई है, उसके माध्यम से ये हमें जानने को मिला है कि कई ऐसे हमारे यहाँ टाउन रहे हैं, कई ऐसे जो है आपका सिटी रहे हैं, जो एक्सकवेशन से पता चला है कि उनकी जो सिविलाइजेशन थी वो कैसी थी, बहुत ही एक्सटेंडेड थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। तो गाइस वहाँ से ही हमें ये पता चला है कि उस समय की जो फोर्ट बनाए जाते थे, मीन्स उस समय की जो शासन प्रणाली थी, या उस समय की हम कह सकते हैं जो हाउस प्लानिंग थी, जो वो जो है थोड़ा डिफरेंट थी। उसके थ्री सेक्शन होते थे। क्या होते थे? उसके थ्री सेक्शन होते थे। थ्री सेक्शन में सबसे पहले क्या होता था कि जो जो रूलर होते थे उनका रहना होता था, क्या होता था? फोर्ट ऑफ रूलर, मतलब इसे मिडिल में रखा जाता था। फिर अपर हाउस जो होते थे, अपर जो रीजन्स होते थे जो फोर्ट के, उसमें मोस्टली देखा गया है कि वहां पे हाउस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर्स के होते थे। और थर्ड कह सकते हूं कॉमन पीपल। देखो भाई इसको जानने की जरूरत है, सबसे पहले जो वहां पे फोर्ट बनाए जाते थे या फोर्टिलाइजेशन जो किया जाता था, उस फोर्टिलाइजेशन में सबसे पहले या हम कह सकते हैं सबसे ऊपर हाउस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर जो है उनको क्या किया जाता था कि मिडिल में रखा है। हाउस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर इसको मिडिल में रखा जाता, सबसे लास्ट जो है कॉमन पीपल होते थे, और जो है मेन जो फोर्टिलाइजेशन किया जाता था वो किसके लिए? फोर्ट ऑफ रूलर्स के लिए किया जाता। मीन सबसे ज्यादा सेफ्टी किसको दी जाती थी? आपके रूलर को दी जाती थी। रूलर तक पहुंचने के लिए आपको किसको फेस करना पड़ता? उन जो है आपको सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटर्स का आपको जो है फेस करना पड़ता, दूसरा आपको कॉमन पीपल को फेस करना पड़ता, और सबसे पहले आपको किसको करना पड़ता? कॉमन पीपल को। मीन से आपको रूलर को आपके पास पहुंचना है तो सबसे पहले लोअर हाउसेस जो है आपके कॉमन पीपल होते थे उनसे फाइट करनी पड़ेगी। उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर चले भी जाते हो तो यहाँ पे आपको हाउस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से आपको फाइट करनी पड़ेगी, मतलब जो प्रशासनिक अधिकारियों से फाइट करनी पड़ेगी। थर्ड फिर कहीं जाके आप फोर्ट ऑफ रूलर के पास पहुंच पाओगे, मतलब फिर उसके पास कहीं आप राजा के पास तक पहुंच सकते हो। तो इस तरीके से टाउन प्लानिंग होती थी जिससे कि राजा को सबसे ज्यादा सेफ रखा जा सके। क्या किया जा सके? राजा को सबसे ज्यादा या जो रूलर है उसको सबसे ज्यादा सेफ किया जा सके, या उसको इस तरह से फोर्टिलाइज किया जाता था। तो मोस्टली जो कह सकते हो कि जो रूलर होता था, रूलर के अनुसार फोर्ट ऑफ रूलर वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन द अपर हाउस ऑफ द टाउन। यदि हम फोर्ट की बात करें, रूलर के फोर्ट की बात करें, तो इसको जो कंस्ट्रक्ट किया जाता था वो कहां किया जाता था? अपर हाउस ऑफ द टाउन। जो रूलर होता था उसके रहने की जो व्यवस्था, या हम कह सकते हैं जो फोर्टिलाइजेशन किया जाता था वो क्या कहां किया जाता था? अपर हाउस, अपर पार्ट ऑफ द टाउन। कहां किया जाता था? अपर पार्ट ऑफ द टाउन। फिर अपर पार्ट ऑफ द टाउन इज सेफ एंड प्रोटेक्ट विद द हाउस हैविंग टू रूम्स, फोर थ्री और टू रूम्स। कभी कभी हमें यहां पे देखने को मिलता है कि फाइव टू टू रूम्स, इनका सेकंड क्या है? सबसे पहले तो ये अपर पार्ट्स में इनका टाउन प्लान किया जाता था या इनको रखा जाता था, या जो फर्टिलाइजेशन है वो अपर पार्ट में किया जाता था रूलर्स का। सेकंड इनके पास इनके जो मोस्टली जो यहाँ लोग रहते थे उनके पास जो टाउन प्लानिंग रोल उसमें प्रोटेक्शन के साथ साथ टू से लेकर के फाइव रूम तक उनमें रहते थे। फिर उसके बाद हाउस ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द टाउन आर मेनली कंस्ट्रक्टेड विद द हैंड मैट्रिक्स,
बट जो लोअर पार्ट्स होते थे, देखो ये क्या है आपका मिडिल, ये कौन से आपके एडमिनिस्ट्रेटिव, एकदम एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करें तो ये भी किसमें आ जाते हैं, कह सकते हो कि जो है रूलर के अंडर में ही आ जाते हैं। तो सबसे पहले किसका हाउस रहता था आपको फिर समझ लीजिए, अपर हाउस जो है किसका, टाउन प्लानिंग के अनुसार अपर हाउस में रूलर का कोर्ट होता था, मिडिल में आपका 5 to 2 रूम के साथ एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स होते थे उनके हाउसेस होते थे, थर्ड आपका लोअर हाउसेस रहते थे, थर्ड आपका लोअर हाउसेस रहते थे जो कि कंस्ट्रक्ट किए जाते थे किस चीज किससे, ब्रिक्स से। और ये जो ब्रिक्स होती थी वो कैसी होती थी, हैंडमेड ब्रिक्स। तो क्या किया था, हैंडमेड ब्रिक्स से कंस्ट्रक्ट किए जाते थे। कंस्ट्रक्शन किससे किया जाता था, हैंडमेड ब्रिक्स से किया जाता था। और ये सबसे ज्यादा लोअर हाउसेस में रहने वाले लोग होते थे जो कि सिटीजन ऑफ द टाउन होते थे, कौन होते थे, सिटीजन ऑफ द टाउन होते थे या कह सकते हैं कॉमन पीपल्स होते थे। तो ये जो है क्या थी, एक टाउन प्लानिंग थी। तो पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज डेवलप मैनी ब्यूटिफुल हाउस एंड टाउन। पीपल जो थे उस समय के जो सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो जो है क्या कर, वो जो कंस्ट्रक्शन करते थे वो बहुत ही ब्यूटीफुल होता था, सुंदर होता था, दिखने में बहुत ही डिफरेंट रहता था। दूसरा इनकी टाउन प्लानिंग भी बहुत वैसी थी, बहुत ही मतलब कह सकते हो शानदार रही थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट रही थी। और हम कह सकते हैं कि बहुत ही सिस्टमेटिक टाउन होते थे, इनमें जो जो रोड वगैरह बनाए जाते थे वो भी बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बनाए जाते थे गाइस। तो ये जो था आपका आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आज भी इनकी जो टाउन प्लानिंग थी उसको जानने की जरूरत होती है, उसको समझने की जरूरत पड़ती है, उस पर रिसर्च होते हैं। तो अमंग द हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो हैड द बेस्ट टाउन प्लानिंग, यदि हम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये बेस्ट टाउन प्लानिंग में से एक थी गाइस। तो ये था आपका फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर में मैंने जो काफ़ी जो इम्पोर्टेंसी जो थी कि किस तरह से जो आपका कल्चरल और आर्किटेक्चर स्टाइल को यहाँ पे यूनिक आइडेंटिटी दी गई थी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी है। तो आगे जो लेक्चर होगा उसमें मैं यही ये बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से कौन से आर्कोलॉजिकल जो है एग्जीबिशन से, या जो आर्कोलॉजिकल एग्जीबिशन था वो किसने कराया था, और मोहनजोदड़ो से रिलेटेड साथ में धोलावीरा वगैरह हड़प्पा से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में देता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।